ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज आपको बताने जा रहे हैं दैनिक महाभाग्यशाली राशियां। 5 अगस्त 2019 सोमवार का दिन है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है जिसे नाग पंचमी महापर्व के रूप में मनाया जाएगा। तो श्रावण महीना है, श्रावण का सोमवार है, नाग पंचमी का महापर्व है। भगवान भोलेनाथ की एवं नाग देवता की विशेष पूजा अर्चना का महापर्व है। तो आप सभी अभी नाग पंचमी के दिन नाग देवता एवं भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन करें। और यदि आप नाग पंचमी श्रावण सोमवार की कथा सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर हमने आपके लिए अन्य वीडियो प्रस्तुत किए हैं, उनको आप जरूर देखिएगा, जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। दिशाशूल की अगर हम बात करें तो पूर्व दिशा में रहेंगे, इसलिए पूर्व दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी माना जाएगा। यदि किसी कारणवश पूर्व दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो दर्पण में अपना चेहरा देख करके यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। राहु काल जो कि सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया कार्य आपको नहीं करना चाहिए। ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव कर्क राशि में, चंद्रमा कन्या राशि में, मंगल जो कि कर्क राशि में, बुध ग्रह कर्क राशि में, गुरुदेव बृहस्पति वृश्चिक राशि में, शुक्र कर्क राशि में, शनि धनु राशि में, राहु मिथुन एवं केतु धनु राशि में रहेंगे। इस ग्रह गोचर के अनुसार मेष सिंह धनु तुला कुंभ और मीन ये 6 महाभाग्यशाली रहने वाली है। इन 6 राशि वालों को धन लाभ होगा और नई उम्मीदें इनकी जो चली आ रही है या फिर कोई भी ऐसा काम ये बहुत दिनों से अटका हुआ है, रुका हुआ है, वह पूर्ण हो जाएगा। नया काम इनका शुरू हो सकता है, नया घर, नया वाहन, नई संपत्ति इनको प्राप्त होने वाली है। तो मित्रों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।